व्हीकल्स और इंडिपेंडेंस की कहानी सबसे पहले तब शुरू हुई जब मैं 18 साल का था और मुझे एक लाइसेंस मिला, और ये कहानी शुरू हुई एक एक्टिवा से। मेरी जो एक्टिवा थी ये मेरा पहला सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस था, और पहली बार ज़िंदगी में मुझे अपने मम्मी पापा के ऊपर या रिक्शाज या कैब्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ा। फास्ट फॉरवर्ड एक साल, मैंने 2019 के मई में एक ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ली और एक महीने में गाड़ी सीखी, और उसके बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गाड़ी लेके जाने के जो भी एडवांटेजेस थे वो मैंने नोटिस किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मॉनसून में अगर मुझे कॉलेज या जिम जाना होता तो पहले मैं एक्टिवा पे जब जाता था तब एक पूरा रेनकोट पहन के मुझे बारिश में भीगते हुए जाना था, वो भी एक अलग टाइप की एक्साइटमेंट थी, आई अग्री, बट दैट इज व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड ड्राइविंग। आप सबने व्लॉग्स में भी देखा होगा, जो गाड़ी मैं चलाता था वो एक आल्टो K10 थी जो ऑनेस्टली 11 साल पुरानी थी। मेरे मम्मी पापा ने उस गाड़ी को 2011 या 2012 में लिया था, और रिसेंटली पिछले साल के दिसंबर में, मतलब 2021 के दिसंबर में, उस गाड़ी के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। अगर आप एक गाड़ी को बहुत सारे सालों के लिए चला रहे हो तो आपका उस गाड़ी पे ऐसे हाथ बैठ जाता है और आपको उस गाड़ी के छोटे छोटे डिटेल्स पता चलते हैं। इसीलिए जब गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आया तब मुझे इंस्टेंटली पता चला, और वो प्रॉब्लम एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम था। सो जब आप एक्सेलरेटर को दबाते हो तो आपको आपके पैर से उस एक्सेलरेटर की सेंसिटिविटी पता चलती है, और आपको पता चलता है कि कितना एक्सेलरेटर दबाने पर कितनी गाड़ी आगे जाएगी। अब इंजन में या मैकेनिकली कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से गाड़ी का ये सेंसिटिविटी और जजमेंट का प्रॉब्लम पूरी तरह से खराब हो गया, और ये रिस्की इसीलिए था बिकॉज रास्ते पे गाड़ी चलाते वक्त हमें ये नोटिस हुआ और एक्सेलरेटर जो था वो बहुत अनरिस्पॉन्सिव हो गया। कभी कभी गाड़ी बहुत तेजी से आगे जाती थी, कभी कभी इट डिडंट यूज टू एक्सेलरेट, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस थोड़े से हाई हो गए। एंड क्योंकि हमारे पुराने गाड़ी को 11 साल हो गए थे, इट वॉज टाइम फॉर एन अपग्रेड। दिस इज अ न्यू कार। तो ये है हमारी नई गाड़ी, दिस इज द क्विड। अब डिस्क्लेमर, मैं एक कार प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं एक ऑटोमोबाइल नर्ड बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे गाड़ी के बारे में जो भी स्पेक्स है वो कुछ आते नहीं है, इंजन कैपेसिटी, लीटर, टॉर्क, जो भी टेक्निकल टर्म्स रहता है ना वो मुझे पता नहीं है। मुझे सिर्फ ये चीज पता है कि ये गाड़ी मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मजे में लेके जाएगी। सो यूजुअली मैं कार्स को लेके बिल्कुल एक्साइट नहीं होता बिकॉज एज आई सेड मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर इस गाड़ी को लेके मुझे इतना इंटरेस्ट क्यों आया वाज बिकॉज ऑफ वन रीजन। चेक दिस आउट, ये गाड़ी एक ऑटोमेटिक कार है एंड दिस मेक्स द वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। मैं गाड़ी ऑलमोस्ट रोज लेके जाता हूँ, और ट्रैफिक में एक मैनुअल गाड़ी बिकम्स अ हेडेक। बार बार गियर चेंज करो, सेकंड थर्ड, हर स्पीड ब्रेकर के बाद वापस गियर चेंज करो। इस सब के चक्कर में मैंने कैसे तो करके अपने मम्मी पापा को बोला कि प्लीज एक ऑटोमेटिक कार कंसिडर करो, बिकॉज उन दोनों को मैनुअल बहुत पसंद है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे भी मैनुअल पसंद है, मैनुअल का उसका अलग मजा आता है। हाईवे पे या लॉन्ग ड्राइव्स पे मैनुअल आपको वो फील देता है, बट सोचो ना हम सिटी के बाहर कितने फ्रीक्वेंटली गाड़ी लेके जाता है। अगर हम ट्रैवल करते हैं तो आजकल बहुत सारे लोग फ्लाइट से जाते हैं, कभी ना कभी एक बार रोड ट्रिप पे सब जाते हैं। इसीलिए मेरा लॉजिक था कि अगर हम गाड़ी 99% ऑफ द टाइम सिटी में चलाने वाले हैं तो why not get something that'll help us? And it's so cool because यहाँ पर मेरे लेफ्ट पैर को और मेरे लेफ्ट हाथ को करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस गाड़ी में सब कुछ चेंज करने के लिए ऐसा एक क्यूट सा नॉब है, और AMT होने की वजह से जो पावर आपको मिलती है, oh my god, इंजन का जो आवाज है ना, इट इज सो सैटिस्फाइंग। ऑल्सो इनकेस आपको क्यूरियोसिटी है कि हमने छोटी गाड़ी क्यों ली, तो उसका रीजन है कि हमारे सोसाइटी में जो पार्किंग की एरिया है वो थोड़ी सी कंजेस्टेड है। वो मेरी स्कूटर है और ये हमारी बड़ी गाड़ी है। अब पहले क्या होता था कि मैं अभी जिस एरिया में चल रहा हूँ वहां पर छोटी गाड़ी बहुत आसानी से जाती थी, एंड दिस इज हाउ वी कुड पार्क आवर कार्स, बड़ी गाड़ी, स्कूटर और यहाँ पर छोटी गाड़ी। इसीलिए हमें आल्टो के सॉर्ट ऑफ सिमिलर साइज की गाड़ी ही चाहिए थी सो दैट पार्किंग का इशू ना आए। बट ये जो भी पार्किंग का एंट्रेंस है, ये जो जगह है, इट इज वेरी ट्रिकी। इस जगह में गाड़ी को फिट करने के लिए, गाड़ी का जजमेंट आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, विच इज व्हाई फॉर द टाइम बीइंग वी पार्क्ड इट आउटसाइड। एंड जस्ट यार, मुझे छोटी गाड़ियां ना, हैचबैक्स, वो बहुत पसंद है, ऐसे आराम से जा सकती है थ्रू ट्रैफिक एंड शिट। जाके ब्रेकफास्ट बनाते हैं। याद है अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं एक पैकेज के लिए बहुत एक्साइटेड था बिकॉज वन पैकेज डिडंट कम, वो पैकेज कल बाय द वे आ गया, और जो प्रोडक्ट था वो भी आ गया। This is mocha cappuccino. Let's try. Smell तो काफी अच्छा रहा। I think ये इतना strong नहीं होगा जितना मैं expect कर रहा हूँ। One scoop. Taste test. Not bad, but I was right. अगर ये थोड़ा सा और strong और coffee like होता, then I would have liked it way more. But मेरे हिसाब से अभी तक strawberry prot stop पे ही है। Strawberry को कोई dethrone नहीं करने वाला। Hello. Hello. Yes. Where are you at? Hello.
कंफर्ट। आज हम फॉर द फर्स्ट टाइम 12 बजे जिम जा रहा है। नीर, व्हाट इज योर फेवरेट टाइम टू गो टू अ बॉल? 9:30 टाइम ब्रो, मॉर्निंग ओनली, और 3 टू 4। मेहर, व्हाट इज योर फेवरेट टाइम टू गो टू जिम? 3 टू 4। सबका 3 टू 4 ही है, इट्स मोर पीसफुल दैट टाइम। आई सी, बिकॉज़ यू हैव मोर एनर्जी आई थिंक। या बिकॉज़ ऑल द फूड, या भोजन। आज के पुश डे की शुरुआत हम इंक्लाइन डंबल प्रेस के साथ करने वाले हैं फॉर अ चेंज। नील वोंट गिव मी कंपनी बिकॉज़ प्लीज एक्सप्लेन शोल्डर इंजरी के कारण है। बिकॉज़ ऑफ माय शोल्डर इंजरी आई कांट एग्जैक्टली डू एनी प्रेसिंग मूवमेंट्स, समथिंग मशीन कर रहा है जस्ट फॉर सेफ्टी। और दीवा महर डंबल्स कर रहा है इसीलिए जस्ट फॉर अ चेंज लाइक ओल्ड टाइम्स। मैंने नवंबर से डंबल प्रेस नहीं किया एंड स्ट्रेंथ की काफ़ी वाट लग गई है, बट आई गेट बैक। आज के मैं तीन या चार सेट 10 रेप्स के लिए आई ट्राई डूइंग इट विद 32.5। Thank you. Don't you dare say that I want it. I want everything to fall apart when it's hard to me. Cause my only crime was hoping there is something more than this loneliness I feel. But no one makes me feel less alive. We're fighting fire. The way you push my buttons just right. We're fighting fire. When two voices of nature collide. We're fighting fire. Can't help but feel the temperature rise. We're fighting. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज 3 हफ्ते के बाद
आर्यन वापस आने वाला है. नील, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू मेट आर्यन? आई टेल यू व्हेन. 24th दिसंबर. दिस 24th दिसंबर. 24th दिसंबर. 3 हफ्ते हो गए. वी हैव स्लीप ओवर दिस प्लेस. वाज दैट द लास्ट टाइम? या. या दैट वाज द लास्ट टाइम आई सॉ हिम. एग्जैक्टली. न्यू ईयर. अच्छा, न्यू ईयर के लिए वो इधर था ही नहीं. बढ़िया. आज मोस्टली हम उसको नहीं मिल पाएंगे बिकॉज ही इज कमिंग एट नाइट, राइट? या, नाइट. एंड देन फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे अनदर 3.5 hours का जर्नी. वो भी है. वी मीट हिम टुमारो. व्हिच वन लुक्स मोर अट्रैक्टिव? या, और दिस वन. सिनेमन रोल. सिनेमन रोल. या ब्रो, वी हैड ईटन इट इन दिल्ली ना? नो. दिल्ली में बहुत शिट खाया था ब्रो. खाया था पर सिनेमन रोल नहीं खाया था. यू कैन नॉट बी एग्स इज बॉट. यू बॉट फॉर द फुल सोसाइटी. नील, क्वेश्चन ऑफ द डे. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे कम्युनिटी में जाके उस पोस्ट के जो भी कमेंट्स है वहाँ पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो. इफ आई सी द क्वेश्चन, इफ आई लाइक द क्वेश्चन, मैं व्लॉग्स में आंसर करूंगा. आज का क्वेश्चन है ये. और ब्रो, आई ओनली हैव वन एडवाइस फॉर यू. मुझे ये कहना है कि डोंट लेट दैट डीमोटिवेट यू बिकॉज यू आर लाइक 18 ब्रो. एंड आई वॉन्ट टू शो यू कि लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल चीज होती है बिकॉज जेई एक ऐसी एग्जाम है जो मैंने खुद दिया है. मुझे पता है कि जेई के लिए प्रिपेयर करने के लिए कौन से स्ट्रगल्स को ओवरकम करना पड़ता है, उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम देना पड़ता है. एंड इट कैन बी हार्ट ब्रेकिंग. बट लेट मी टेल यू समथिंग ब्रो, चीज ये है कि जेई मैंने क्लियर की. ओके, मैंने जेई इसीलिए क्लियर की बिकॉज मुझे भी एक टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना था और मुझे एडमिशन मिल रही थी, बट मैंने एडमिशन नहीं ली. मैंने इन दी एंड इंजीनियरिंग किया ही नहीं. मैंने वो जो भी जेई क्लियर की थी उसका इस्तेमाल भी नहीं किया. आई वेंट डाउन अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोड और आज मैं एक यूट्यूबर हूँ. आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड आई एम मच हैप्पियर राइट नाउ. इसीलिए डीमोटिवेट मत होना. यू आर 18. अगले पता है 3 साल में तेरा पूरा करियर पाथ चेंज हो सकता है. योर एंटायर ट्रेजेक्टरी ऑफ लाइफ कैन चेंज और मे बी तू 5 सालों के बाद एक ऐसे जगह, एक ऐसे पोजिशन पे बैठेगा वेर यू लुक बैक एट दिस एंड थिंक की ये तो बहुत छोटी सी चीज थी. तो होपफुली इससे यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ पर्सपेक्टिव. डोंट लेट दिस डिसहार्टन यू. देयर आर मोर थिंग्स टू लाइफ देन क्लियरिंग एग्जाम्स. और बाद में पता है यू विल रियलाइज की एग्जाम्स और ये जो मार्क्स होते हैं ना, दे आर अ वेरी स्मॉल पीस इन द रियल वर्ल्ड. तो सोमनाथ, डिसहार्टन मत होना, डीमोटिवेट मत होना. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड आई एम श्योर इसकी वजह से यू विल एंड अप समवेयर वेर यू वुडंट हैव गॉटन इफ यू वुड हैव क्लियर्ड योर जेईई एग्जाम. ऑल द बेस्ट टू यू इन लाइफ एंड गो मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू. इट इज योर. Guess. ये हम नेक्स्ट व्लॉग में अनबॉक्स करेंगे. टेक अ वाइल्ड गैस. गैस व्हाट इट इज. गुड बाय.